चलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लीडर सेफ्टी में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा टूल बॉक्स ट्रेनिंग। देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस फोटोज और इमेज को, जब मैं एक सेफ्टी सुपरवाइजर था तो मैं कैसे ट्रेनिंग देता था टूल बॉक्स स्टाफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये मेरी है जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। तो ये इंटीरियर्स एक कंपनी है। इस इंटीरियर्स कंपनी में जो इनिशियल मैन पावर होते थे 10-15, राइट, कभी कभी क्या होता था, शिफ्ट में काम होता था, तो हमें क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे टूल बॉक्स ट्रेनिंग देना पड़ता था। अब देख सकते हो टूल बॉक्स ट्रेनिंग में यहाँ पे सुपरवाइजर भी है, मैन पावर भी है। अब मैं डेली क्या करता था, एक जैसे आप कौन सी इंडस्ट्री में हो वहां पे आप हैजार्ड को पहले देखो। जैसे यहाँ पे डेली स्कार्फ फोल्डिंग यूज हो रहा है, मूवेबल स्कार्फ फोल्डिंग यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा मॉड्यूलर्स का काम चल रहा है, लैडर को हम मूव कर रहे हैं और फायर फाइटिंग के स्प्रिंकलर सारा कुछ फिटअप कर रहे हैं। इंटीरियर के अंदर वॉल के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर डस्ट आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर टूल बॉक्स स्टॉक आप मैं वहां पे देता था डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में। अब टूल बॉक्स ट्रेनिंग के लिए मैं डेली 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स डेली देता था। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि ट्रेनिंग में आप कुछ भी दे सकते हो, आपका वो वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, साइड में पोस्टर होना चाहिए और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड बनाइए और उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। तो टूल बॉक्स स्टॉक हमारा टीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्कर्स को अवेयरनेस लेवल यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। जब वर्कर्स अवेयर हो जाएंगे उस काम से, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट नील होगा, जीरो होगा। जब एक्सीडेंट जीरो होगा तो ग्रोथ आपकी है, कंपनी की ग्रोथ है, और एक्सीडेंट नील होने से काफी फायदा होता है। तो टूल बॉक्स स्टॉक करने के बाद मैं क्या करता था, आप देख सकते हो जैसे कि ये मेरा लैडर है, मेरी वर्क साइट पे लैडर फाउंड मैंने किया। अब इस लैडर का मैंने इंस्पेक्शन किया तो हो सकता है, देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एक तो रोप बंधा हुआ है, ये तो पूरा फुली तरीके से डैमेज है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती थी कि जब मैं विजिट करता था, ट्रेवल करता था, मतलब साइट पे जाता था, तो देखता था कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे लैडर है, तो लैडर मुझे ऐसी डैमेज कंडीशन में मिली, तो मैंने इसे क्या किया, इसे रिमूव कर दिया। एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमारे पास इतनी अथॉरिटी होती है कि हम काम को बंद कर सकते हैं। कोई भी अगर रॉन्ग कंडीशन, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रहा है वर्क साइट पे, आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे में डेली टूल बॉक्स स्टॉक देता था, तो कभी बैठ के दे देता था, कभी मैं खड़े खड़े दे देता था, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है टूल बॉक्स ट्रेनिंग देने का। तो आप देख सकते हो कि डेली आपको कुछ ना कुछ टूल बॉक्स स्टॉक ट्रेनिंग देनी। और देखो पीपी सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पहना हुआ है, ठीक है। तो टूल बॉक्स ट्रेनिंग के दौरान आप चाहो तो आप किसी वर्कर को भी बुला के वहां पे ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हो, राइट। तो एक तरीका होता है कि हम कैसे अपने इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इज दिस, एक सिंपल वर्ड है, फ्रीडम फॉर दोस कंडीशन विच कैन कॉज रिस्क इंजरी एज वेल एज प्रॉपर्टी डैमेज। तीन चीजों से हमें फ्रीडम चाहिए, रिस्क, इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज, यही हमारा एक सेफ्टी है। जो भी वर्कर आए हैं, हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाएं, यही तो काम है डेली का हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी होगी, और मिलता हूँ फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।